11 सितंबर 2001 मंगलवार की सुबह सुबह फ्लाइट 11 निकली थी लॉस एंजलिस के लिए, लेकिन 8:26 पर फ्लाइट ने 100 डिग्री का टर्न लिया और मुड़ गई न्यूयॉर्क की तरफ। और देखते ही देखते कंट्रोल रूम में मच गया हंगामा। कंट्रोल रूम को अचानक सुनाई दी एक आवाज जो फ्लाइट नंबर 11 के कॉकपिट से आ रही थी। कोई आदमी जोर जोर से चीख रहा था, कोई हिलेगा नहीं, हम वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, खामोश बैठे रहिए तो आप ठीक रहेंगे। मतलब साफ था फ्लाइट हाईजैक हो चुकी थी। उसी पलों बाद न्यूयॉर्क की तरफ तेजी से बढ़ रही फ्लाइट 11 की फ्लाइट अटेंडेंट एमी स्वीनी ने एयरफोन पर बताया कि उनकी फ्लाइट तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। एमी की आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। हमारी फ्लाइट काफी नीचे उड़ रही है, हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, हे भगवान हम बहुत ही ज्यादा नीचे। एमी अपनी बात पूरी तक नहीं कर पाई, एक तेज आवाज आई और उसके बाद एमी का फोन कट गया। लेकिन उसके बाद दुनिया भर ने देखा मौत का, तबाही का वो भयानक मंजर। इसी बीच यूनाइटेड एयरलाइंस की एक और फ्लाइट यूनाइटेड 175 ने बोस्टन हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन एयरपोर्ट की सारी सुरक्षा को पार करके यूनाइटेड 175 में भी सवार हो चुके थे 5 हाईजैकर्स, यानी अब 3 फ्लाइट में हाईजैकर सवार थे, फ्लाइट 11, फ्लाइट 93 और फ्लाइट 175। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी लगातार फ्लाइट 11 के कॉकपिट में संदेश भेज रहे थे, निर्देश दे रहे थे, लेकिन फ्लाइट 11 से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये घटना पूरी तरह से असामान्य और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों के खिलाफ थी। तेरे मेरे जीवन की यही ये खामोश तस्वीरें क्या आपको कुछ याद दिलाती हैं? रोलिंग कैमरा इन एक्शन। 25 साल पहले एक्शन की ऐसी ही एक आवाज पर ये तस्वीरें बोल उठी थी। तो फिर आपको क्या पसंद है मास्टर जी? तोशे जी भी तो कह चुके मैंने नहीं करनी शादी। मारा तो चल गया वंच। बुनियाद को निर्देशित किया था रमेश सिप्पी ने, वही रमेश सिप्पी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को शोले जैसा मील का पत्थर दिया। रमेश सिप्पी ने बुनियाद के जरिए छोटे पर्दे को भी सिनेमा जैसी भव्यता दी, ऐसी भव्यता जो इससे पहले टेलीविजन में कभी नहीं देखी गई थी। क्या है इनके प्यार की असली कहानी? वैसे सुना है कि 10 साल पुरानी जान पहचान है इस राजकुमार और राजकुमारी की। सुना तो ये भी है कि ये जान पहचान कब दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चलता। दोस्ती और प्यार के सफर में कई मुकाम ऐसे लिया है कि जब लगा कि दोनों की राह अलग अलग हो जाए, और कई बार तो ऐसा लगा कि रास्ते ठाट बाट के आगे प्यार का ये सफर अधूरा रह जाएगा। कौन है वो राजकुमार? कौन है वो सुनहरे बालों वाली लड़की? तो और डायना की मौत के बाद उनके बेटे विलियम्स में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। ब्रिज कैंडी अस्पताल में आईसीयू के कमरा नंबर 1 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की सांसें जब उखड़ने लगी तो पत्नी जया, भाई अजिताभ, माँ तेजी बच्चन और पिता हरिवंश राय बच्चन, पूरे के पूरे बच्चन परिवार पर जैसे वज्रपात हुआ।
डॉक्टरों ने भी इस अनहोनी के आगे हार मान ली और उस अगस्त के महीने में एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन की सांसें थम गई। डॉक्टरों के इस एक चूक ने महानायक के लिए मौत की घंटी बजा दी थी। आंत का इन्फेक्शन दिल तक पहुंच चुका था और अगर ये इन्फेक्शन फैलकर दिमाग तक पहुंच जाता तो अमिताभ के बचने की उम्मीद खत्म थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन ही अमिताभ बच्चन का ऑपरेशन कर दिया गया और कहा गया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है।